75 ईयर्स हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव पर हम लोग 76 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करने के लिए इधर हम लोग सब आया। अभी मे आई रिक्वेस्ट टू आवर रेस्पेक्टेड डेप्यूटी डायरेक्टर सर, प्लीज कम एंड होस्ट आवर प्राउड फुल नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग, प्लीज कम सर। खूबसूरत देश को और खूबसूरत बना सकते हैं और
आज का ये खूबसूरत दिन हमें हमेशा याद रहेगा। आज के दिन बापू ने खूबसूरत भारत का सपना देखा था, लेकिन ये दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने हमारे देश को दो भागों में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान, जो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ दे था। ये वो दिन था जब हमारा देश आज़ाद तो था लेकिन किसी की आंखों में आंसू थे। हमें चाहिए था तो उन महापुरुषों ने हमारा एक भारत देश बनाया जो एक लोकतांत्रिक देश था, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई बहन और मोहब्बत का एक पैगाम दे रहे थे, और हम इस खूबसूरत देश में आज़ादी की सांस ले रहे थे। लोग हमारे देश में आ रहे थे और हमारा देश उन लोगों को एक शरण दे रहा था कि आप हमारे देश में खूबसूरत सांस को ले सकें। आज का दिन हमें ये बताता है कि हम महापुरुष महात्मा गांधी के खूबसूरत भारत को साकार कर सके, अपने देश से गरीबी को मिटा सके, अपने देश से छुआछूत जो बहुत कम हो गया हमारे देश में, इसको और ख़त्म कर सके। आज के दिन हम आप दोस्तों से और आप टीचरों से आप स्टेटों से ये पढ़ लेना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी इस देश में व्हाट्सएप ग्रुप या चैट के माध्यम से कभी भी दंगों को रखने ना देंगे। हमेशा अपनी एजुकेशन का यूज़ करेंगे, अपने माइंड का यूज़ करेंगे और एक खूबसूरत भारत को खूबसूरत तरीके से पूरे वर्ल्ड में उसकी खूबसूरती को बेहतर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस धरती के लिए और मरेंगे तो भारत देश के लिए। गंगा जल से बहती हुई अस्थियां को कोई अगर कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे, वंदे भारत सिंह। धन्यवाद। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिन्हें हिस्से में मकाम आता है, और किस कदर खुश नसीब है वो लोग क्यों जिनके वतन के काम आता है। जय हिंद। Thank you.